पार्लियामेंट में मैंने अदानी जी की बात उठाई, भाषण दिया। जैसे ही मैंने अपना पार्लियामेंट में अदानी जी का भाषण दिया, वैसे ही बीजेपी ने मेरी लोकसभा की जो सदस्यता है उसे रद्द कर दी, खत्म कर दी। आप सोचिए, अदानी जी की रक्षा करने के लिए एकदम मेरी लोकसभा की जो सदस्यता थी उसको कैंसिल कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करिए जितना करना है, मैं सच्चाई बोलता हूं। और देश के सामने एक सच्चाई अदानी जी हैं। पोर्ट्स देख लीजिए, एयरपोर्ट्स देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, धान के साइलोज देख लीजिए, हर जगह आपको अदानी जी दिखाई देंगे। अदानी जी किसानों के जेब में से हर रोज जेब में से आपका पैसा लिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, डीजल में, पेट्रोल में, फर्टिलाइजर में आपके जेब में से पैसा निकलता है और सीधा इन दो उद्योगपतियों के जेब में जाता है। मैंने मीडिया की बात की, मैंने मजाक में कहा कि मीडिया वाले हमारी मीटिंग तो दिखाएंगे नहीं, मोदी जी का चेहरा 24 घंटा दिखेगा, शिवराज जी का चेहरा 24 घंटा दिखेगा। क्यों? क्योंकि इनका रिमोट कंट्रोल अदानी जी के हाथ में है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने महिला आरक्षण की बात की। महिला आरक्षण में हमने एक सवाल उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उठाया, बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने दो चीजें कही। हमने पहले कहा, देखिए ये महिला आरक्षण जो आप कर रहे हो ये अच्छा है, इसको करना चाहिए, मगर इसमें आपने दो छोटी सी लाइनें लिख रखी हैं, सबसे पहले इन लाइनों को आप मिटाइए। लाइन क्या थी? एक लाइन थी कि महिला आरक्षण से पहले सर्वे करने की जरूरत है, और दूसरी लाइन, महिला आरक्षण करने से पहले हमें जो डीनोटिफिकेशन होता है उसको करना है। इससे क्या होगा? इससे महिला आरक्षण 10 साल बाद होगा, आज नहीं होगा। तो हमने कहा पहले ये दो लाइनों को आप बदलिए। और उसके बाद हमने और भी गहरी चीज कही और सवाल पूछा कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं है। ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण में आपने क्यों नहीं दिया? नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि आप ओबीसी के लिए काम करते हैं, आप ओबीसी के नेता हैं, तो आपने महिला आरक्षण के अंदर के बीच में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं किया? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बीजेपी में ओबीसी के एमएलए और एमपी हैं। सबसे पहले कांग्रेस के तीन चीफ मिनिस्टर ओबीसी हैं, ये याद रखिए आप। हमारी चार सरकारें हैं, तीन हमारे ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरी बात,
आप पार्लियामेंट में विधानसभा में चले जाइए और बीजेपी के किसी भी एमएलए से पूछ लीजिए, एमपी से पूछ लीजिए, आपसे कुछ पूछा जाता है क्या? जब कानून बनाए जाते हैं आपसे कुछ पूछा जाता है? आपको कहेंगे भैया हमारे से कुछ कोई नहीं पूछता। कानून आरएसएस वाले लोग बनाते हैं, कानून अफसर बनाते हैं, कानून बीजेपी के एमएलए और एमपी नहीं बनाते। देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस, ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार आ गई, पहला काम यह हम करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, 90 लोग ये कानून बनाते हैं, ये निर्णय लेते हैं पैसा किधर जाएगा, कितना पैसा कहां जाता है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बीजेपी के 10 साल से सरकार है, 90 अफसर सेक्रेटरी हिंदुस्तान को चलाते हैं, मैं हिंदुस्तान के सब ओबीसी से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आपकी भागीदारी है हिंदुस्तान की सरकार में, मध्य प्रदेश की सरकार में, आप मुझे बता दो इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने हैं, ओबीसी की आबादी कितनी है पहले यह बताओ, कितनी आबादी है ओबीसी की हिंदुस्तान में? देखो कोई जवाब नहीं दे सकता, कोई जवाब नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। भाइयों और बहनों, लगभग ओबीसी भाइयों की बहनों की 50% आबादी है हिंदुस्तान में, बात समझिए, आबादी 50% है और 90 में से 3 अफसर ओबीसी के हैं। और एक और मजेदार बात बताता हूं, 2 साल पहले आप देखते, 3 साल पहले आप देखते तो हिंदुस्तान की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 90 में से 0 अफसर ओबीसी से थे। यह देश की सच्चाई है, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए काम नहीं करते हैं। हिंदुस्तान की सरकार का बजट लाखों करोड़ रुपए का बजट है। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो 3 ओबीसी अफसर हैं इनकी भागीदारी कितनी है? ये बजट पे कितने रुपए पर निर्णय लेते हैं मुझे बता दो। मैं आपको बताता हूं, तकरीबन 45 लाख करोड़ रुपए का बजट है। आप मुझे बताओ ओबीसी अफसर कितने रुपए पर निर्णय लेते हैं मुझे बता दो। नरेंद्र मोदी जी की ओबीसी की सरकार है, सब शांत, किसी को नहीं मालूम। क्यों? ये आपको नहीं बताना चाहते हैं, आपकी सच्चाई आपको नहीं बताना चाहते। सच्चाई भाइयों और बहनों ये है कि हिंदुस्तान के पूरे बजट में 5% की भागीदारी ओबीसी के अफसरों के हाथ में है। ओबीसी अफसर 3 है 90 में से और 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। यह है नरेंद्र मोदी जी का काम। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते हैं, नरेंद्र मोदी जी का काम
जो आरएसएस ने उनको दिया है, आपका ध्यान इधर उधर करने का है, नफरत फैलाने का है, हिंसा फैलाने का है। अगर सचमुच में नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के लिए काम करते थे तो 90 में से 3 अफसर ओबीसी के कैसे हैं? 3-4 साल पहले एक भी अफसर नहीं था ओबीसी का। हिंदुस्तान को तो ये चलाते हैं। शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य में कितना पैसा जाएगा, नरेगा कैसे बनेगा, भोजन का अधिकार कैसे डिजाइन होगा, ये तो इन अफसर निर्णय लेते हैं। भाई और बहनों, ओबीसी की सरकार नहीं है। और देखिए, जैसे ही मैं ये बात कहता हूं, आप नोट करना, आज मैंने यहां खुले में यह बात बोली है, ये सारे के सारे टीवी कैमरा बंद हो जाएंगे। आप देख लेना, ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो सच्चाई है देश की कि ये जो सारी की सारी लूट हो रही है, ये व्यापम स्कैम जो है, ये सारा का पैसा, ये आपका शिक्षा का पैसा, स्वास्थ्य का पैसा जो चोरी हो रहा है, ये ओबीसी की जेब में से पैसा चोरी हो रहा है। कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है, ये पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है? अब जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस।